नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। दलित परिवार जालसाजी का हुआ शिकार तो मीडिया के सामने छलका दर्द। राजधानी लखनऊ से सटे जनपद बाराबंकी का एक अजब गजब कारनामा सामने आया है। कहते हैं कि जब चोर चोर मौसेरे भाई हो तो बड़े बड़े महाराजा भी जालसाजी का शिकार हो जाते हैं। एक ऐसा ही मामला बाराबंकी जनपद के तहसील राम सनेही घाट के अंतर्गत विकास खंड पुरेड लई के निकट ग्राम पंचायत खमौली का प्रकाश में आया है, जहां पर एक दलित परिवार एक बड़े जालसाजी का शिकार हुआ है तो मीडिया के सामने अपने दर्द को बयां किया। पीड़ित बाबूलाल पुत्र राम सहारे राम अचल राम निवास पुत्र डोडे ने विपक्षियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि मेरे पूर्वज डोडे पुत्र नंगे जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, जो गांव के ही विपक्षी करुणा शंकर व उमा शंकर के पिता छैल बिहारी पुत्र रामचंद्र के घर पर घरेलू खेतियार मजदूरी करके परिवार का भरण पोषण पृथक पैतृक भूमि गाटा संख्या 145 रकबा 4 बीघा 19 बिस्वा 4 बिस्वा से खेती की आय एवं विपक्षी के घर पर खेतीहर मजदूरी पर ही निर्भर थे। वहीं विपक्षी के पिता छैल बिहारी पुत्र रामचंद्र ने उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक राम सनेही घाट के तत्कालीन मैनेजर एवं कर्मचारियों से साजिश कर पीड़ित के पिता के नाम दर्ज गाटा संख्या 145 को फर्जी तरीके से कूट रचित कर बंधक दिखाकर खुद लोन के पैसे अपने खेत में ट्यूबवेल लगवाया। विपक्षी के पिता छैल बिहारी ने बैंक कर्मचारियों से मिलीभगत कर ऐसा षड्यंत्र रचा कि पीड़ित को उस लोन के बारे में जानकारी पीड़ित परिवार को नहीं दिए। उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की तरफ से कभी पीड़ित के पिता को ना तो कथित लोन की जानकारी दी और ना ही कथित लोन की अदायगी के लिए कभी भी कोई नोटिस नहीं दिया गया। विपक्षी व बैंक कर्मचारियों की मिलीभगत का खेल उस समय पीड़ित परिवार को कानों कान भनक तक नहीं लगी, यहां तक बैंक द्वारा पीड़ित के पिता की फर्जी तौर पर बंधक रखी गई है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नया भारत दर्पण समाचार।